क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 7 से 13 तक। राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नर्क दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अपनी फेटे में सोना चांदी या पैसा नहीं रखो। रास्ते के लिए ना झोली, ना दो कुर्ते, ना जूते, ना लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है। किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर से विदा होने तक उसी के यहाँ ठहरो। उस घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। यदि वह घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी। यदि वह घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर एक चीज़ अगर हमने गौर किया तो हमें मालूम पड़ेगा कि प्रभु कहते हैं एक सम्मानित व्यक्ति के घर में जाओ। सम्मानित व्यक्ति ऐसा एक व्यक्ति जिसका आचरण अच्छा हो, जिसका नाम अच्छा हो, जिसका परिवार अच्छा हो, जहाँ पर शिष्यगण ठहर सकते हैं, यानी गांव में या शहर में उनके बारे में लोग अच्छा बोलते हैं, वह है एक सम्मानित व्यक्ति। हमारे भी पल्लियों में, हमारे भी शहर में, हमारे भी आसपास ऐसे सम्मानित व्यक्ति रहते रहेंगे जिनके बारे में सबको अच्छा ही बोलना है। और प्रभु कहते हैं जब उस घर में तुम प्रवेश करोगे तो तुम कहना कि इस घर को शांति मिले, और अगर वह घर योग्य है तो तुम्हारी शांति वहां ठहर जाएगी, और नहीं तो वह नहीं रुकेगी। एक सम्मानित व्यक्ति के घर में क्या शांति रहना योग्य है या नहीं? जो चीज बाहर से बहुत अच्छी दिखती है, जरूरी नहीं वह अंदर से भी वैसा ही हो। हमारा परिवार जब बाहर से लोग देखते हैं, वाव क्या पेरेंट्स है, क्या आइडियल कपल से, सबसे अच्छे बच्चे हैं, रोज गिरजा में आते हैं, सामने के लाइन में बैठते हैं, हर प्रकार की प्रार्थनाओं में भाग लेते हैं, आराधना में भाग लेते हैं, इतना अच्छा एक परिवार और नहीं। लेकिन क्या वह व्यक्ति का परिवार सचमुच में वहाँ पर शांति निवास करता है या नहीं? क्या वह शांति के योग्य है? वह हमें नहीं पता। कई बार हमारे रिश्ते जब हम दुनिया वालों को दिखाते हैं, ऐसे कहते हैं संत पापा कि हम एयर होस्टेस के स्माइल रखते हैं। एयर होस्टेस को देखो, जब भी देखो वे टिप टॉप रहेंगे और उनके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कान रहेगी, बहुत सुंदर से मुस्कान रहेगी। कभी वे दुखी नहीं दिखेंगे, कभी कोई रिएक्शंस नहीं दिखाएंगे, हमेशा एक प्लेजेंट स्माइल उनके चेहरे पे होता है। उनके सामने कोई भी कितना भी गुस्सा करो, कुछ भी करो, उनको कहा गया है कि आपके चेहरे पे मुस्कान रखना है। उनकी दिल की दशा क्या भी हो, उनकी जीवन की हालात क्या भी हो, उनके चेहरे पे वो स्माइल रहती है। संत फ्रांसिस पापा ने हमसे कहा है कि डू नॉट हैव अ स्माइल ऑफ एन एयर होस्टेस। उसके जैसे मुस्कुराते हुए ना जीना, दिल से खुश रहना। जब हमारे परिवार को बाहर से लोग देखकर बहुत अच्छा कहते हैं, हमें हमारे परिवार को ज़रूर टटोल कर देखना है। क्या हमारी परिवार की दशा इस सम्मानित व्यक्ति के समान है, जहाँ पर शांति निवास नहीं कर सकता या शांति निवास कर सकती है? जिस परिवार में लोग कहते हैं सब अच्छा चल रहा है, शायद वहाँ माता पिता आपस में बात नहीं करते रहेंगे, बच्चे एक दूसरे से बात नहीं करते रहेंगे, तो वहां पर लोगों के द्वारा सम्मानित कहने पर भी प्रभु की आंखों के सामने हमारा परिवार क्या कहलाएगा? दिखावे के लिए हम बहुत कुछ दुनिया को दिखाते हैं। आइडियल कपल्स, एक कपल्स को जानते हो, उन्होंने अराउंड 40 इयर्स ऑफ मैरिड लाइफ जिए हैं। पूरे पल्ली में उन्हें आइडियल कपल्स कहते हैं। जब उनके साथ बैठकर प्रार्थना करने का अवसर मिला, तब पता चला करीबन 30 साल से, शादी के 30 साल से पति पत्नी एक कमरे में नहीं सोते हैं। दोनों को अलग अलग कमरा है, एक दूसरे से ज़्यादा बात ही नहीं करते हैं, लेकिन रोज
चर्च जाते हैं, साथ में जाते हैं, साथ में आते हैं। जब भी कोई फंक्शन हो बहुत अच्छे तरह से मुस्कुराते हुए सबके सामने जाते हैं। यह है आइडियल कपल जिसे दुनिया ने नाम दिया है। हमारे रिश्तों में अगर दरारें हो, हमारे परिवार में लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या शक, तो हमारे परिवार में शांति कहां से रहेगी? सम्मानित व्यक्ति का परिवार शहर में अच्छा नाम हो सकता है, लेकिन क्या प्रभु की शांति हमारे परिवार में वास कर सकती है? क्या वह परिवार सचमुच इसके योग्य है? प्रभु अपने शिष्यों से पुनरुत्थान के बाद कहते हैं, मैं तुम्हें शांति देता हूँ, अपनी शांति देता हूँ। उतना एक गहरा रिश्ता प्रभु हमारे साथ बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले प्रभु की शांति अगर हमारे परिवार में वास करना हो तो उससे पहले हमारे जीवन में जितने भी अशांति की घटनाएं हैं, जितने भी अशांति के रिश्ते हैं, उसे सुधारना पड़ेगा। आइए आज हम कोशिश करें कि हमारे परिवार में जितने भी अशांति का वातावरण है उसे हटाकर प्रभु की शांति से भर दें।